सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत है बक्सर की पावन धरती पे। और सवाल ये है कि जैसे कि यहाँ पे सांस्कृतिक समागम हुआ था अंतर्राष्ट्रीय, वहाँ पे 1000 फीट राम जी की मूर्ति प्रतिमा बनने के लिए घोषणा किया गया था, तो उससे हम स्टूडेंट को तो कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि बाबू तुम्हारे सवालों का जवाब देना ज्यादा जरूरी है। सवाल इसका यह है कि कहीं महायज्ञ हुआ था और वहाँ पे जो है 1000 फीट राम जी का मूर्ति बन रहा है, 1000 फीट राम जी का मूर्ति बनने वाला है, उससे हम स्टूडेंट को कोई फायदा नहीं होगा, ये बच्ची का सवाल है। हाँ। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? मेरा नाम है तनु सिन्हा और मैं बीकॉम फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट। फर्स्ट ईयर की हूँ। अच्छा, साउथ में ज्यादा विकास हुआ है कि नॉर्थ में ज्यादा विकास हुआ है? साउथ में मेरे ख्याल से ज्यादा। साउथ में इस बच्ची के ख्याल से ज्यादा है? राम जी की मूर्ति पे सवाल पूछी है हमसे। सुनो सुनो सुनो, पहले सुन लो, पूरा सुन लो। साउथ में ज्यादा मंदिर है कि नॉर्थ में ज्यादा मंदिर है? ज्यादातर मंदिर तो साउथ में। लोग ज्यादा मंदिरों में जाते हैं कि नॉर्थ में ज्यादा जाते हैं? तुम्हारे हिसाब से मक्का मदीना भी बंद हो जाना चाहिए? नहीं, नहीं। लेकिन पूरा सऊदीया का इकोनॉमी जो है मक्का मदीना चलाता है। अगर मक्का मदीना नहीं होता तो सऊदीया का इकोनॉमी नहीं चलता। आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां पे कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कितना? 2.5 से 3 लाख करोड़ का। बिहार में एक बड़ा मंदिर का नाम बताओ तुम, एक बड़ा मंदिर का नहीं है? है? गुजरात में है सोमनाथ। गुजरात का विकास हुआ कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है बालाजी, विकास हुआ कि नहीं? महाराष्ट्र में है साई शिरडी, विकास हुआ कि नहीं? केरल में पद्मस्वामी है, विकास हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तमिलनाडु में चले जाइए, सबसे ज्यादा मंदिर है मदुराई मंदिर, और भी बहुत सारा मंदिर है। तमिलनाडु का विकास हुआ कि नहीं? पंजाब में चले जाइए, बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है, पंजाब का विकास हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में एक भी मंदिर है बड़ा? नहीं मंदिर है। मंदिर से क्या फायदा होता है? मंदिर के दरवाजे पे अगर आप जाएंगे तो हर जाति के लोगों को नौकरी मिलता है। एक माली फूल बेचने वाला, एक बनिया दुकान चलाने वाला, एक पुजारी, सही है कि नहीं? पूजा करने के लिए लोग आते हैं और वो पूरा मंदिर का क्षेत्र डेवलप हो जाता है। साउथ में पीने के लिए पानी नहीं था बाबू, क्या चीज नहीं था? और वहां पे लोगों ने कुआं नहीं खोदा, सबसे पहले मंदिर बनाया, चूंकि उन्हें पता था कि मंदिर बन जाएगा तो कुआं बन ही जाएगा और साउथ का विकास हो ही जाएगा। तो मंदिर जरूरी है, मंदिर जरूरी है, मंदिर पे राजनीति नहीं होना चाहिए। और जिस दिन मंदिर, सुनो, तुम्हारे बक्सर में जिस दिन ऐतिहासिक मंदिर बन गया, समझ जाना बक्सर के 2 लाख लोगों को नौकरी मिल जाएगा, समझ जाना। लेकिन जाओ, लेकिन अगर उसी जगह पे अगर कोई इंस्टीट्यूट बन जाता, जैसे हमारे एमके सर चलाते, कोई आईएएस का इंस्टीट्यूट बन जाता। बिहार में कितना यूनिवर्सिटी है प्राइवेट बड़ा सा? प्राइवेट तो सर कोई नहीं, क्योंकि साई तिरुपति बालाजी यूनिवर्सिटी चलाता है, तुमको पता है? श्रीडी श्रीडी मंदिर जो है वो कॉलेज चलाता है, हॉस्पिटल चलाता है, पता है तुमको? गुरुद्वारा में कोई भूखा वापस नहीं आता है, पता है तुमको? नहीं। अगर बड़ा मंदिर, और एक एक मंदिर है जिसका नाम तुम लोगों ने सुना होगा, हनुमान मंदिर का नाम सुना है? कैंसर का अस्पताल चलाता है वो, पता है? सस्ता में इलाज होता है वहाँ पे। आंख का अस्पताल चलाता है, बच्चों का अस्पताल चलाता है। तो मंदिर इतना सक्षम होगा ना तो बिहार का विकास भी होगा। अगले सवाल के पास जाइए।